नमस्कार। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आप सभी को नम्रता शर्मा की ओर से अभिनंदन। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी से एक विशेष बात साझा करने। कल यानी 21 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी को फोन कर उनका हाल चाल लिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक विलक्षण चारित्रिक विशेषता है कि वे अपने सभी मित्रों, चाहे वे नए हों या पुराने, हमेशा याद रखते हैं तथा कठिनाई के दौर में सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। श्री मोदी ने डॉक्टर गर्ग से उनके स्वास्थ्य के विषय में बात की और बातचीत के दौरान डॉक्टर गर्ग ने श्री मोदी को बताया कि मेट्स परिवार के सदस्यों, मैनेजमेंट, फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स ने मिलकर पीएम केयर्स फंड में 51 लाख रुपए की राशि जमा करवाई और ऐसा करने वाला ये पहला शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बाबत डॉक्टर गर्ग का आभार जताते हुए उन्हें इस बात के लिए साधुवाद दिया कि वे संपूर्ण मेट्स परिवार से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अपने संदेशों से सभी का लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं। मेट्स परिवार के लिए डॉक्टर गर्ग हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, परिवार का संबल रहे हैं। जब भी उन्होंने किसी को अंधेरे में देखा है या बुझा हुआ देखा है, निराश देखा है, उन्होंने यही कहा है कि ये अंधेरा इसलिए है कि खुद अंधेरे में हैं आप। आप अपने दिल को एक दीपक बनाकर देखिए। डॉक्टर गर्ग ने सतत प्रयास करते रहने पर बल दिया है, क्योंकि सत्य है सतत संघर्ष करते रहना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर गर्ग का कहना है कि सदैव प्रयासरत रहा जाए। अगर आपके पास विजन है तो वो आपको सदैव क्रियाशील रखेगा। विचारों की शुद्धि पर बल दिया जाए, विचार ही आपको जीवंत रखते हैं। ईश्वर प्रदत्त विचार शक्ति तो मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। सकारात्मक विचारों में निर्माण की जो शक्ति छिपी है वो कल्पनातीत है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, वी आर व्हाट आर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। और ऐसा सभी दार्शनिकों का मत है। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच बनाती है आपका व्यक्तित्व। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेना, ये सिखाता है भारतीय दर्शन। कविवर गोपाल दास नीरज कहते हैं कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुद्र पे नशा तूफान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय है, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डॉक्टर गर्ग से कहा कि वे हौसला रखें और अपने पूरे परिवार का हौसला बनाए रखें। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर। खुद पर हौसला रहे, बदी से न डरें। आज के संदेश के माध्यम से हम प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और प्रभु से यही मंगल कामना करते हैं कि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें तथा देश को उनके नेतृत्व में अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। ये यात्रा है सभी के स्वस्थ रहने की, ये यात्रा है मानसिक संबल की, ये यात्रा है शारीरिक क्षमता बढ़ाने की, ये यात्रा है आत्मिक उत्थान की, ये यात्रा है सभी के विकास की, ये यात्रा है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों। प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। इस भाव को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज करना है जिसे, करते उसे हैं आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ, कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं,
सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। और आज संपूर्ण विश्व श्री मोदी को अपने रोल मॉडल के रूप में देख रहा है। मेट्स परिवार श्री मोदी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है कि संकट की घड़ी में उन्होंने डॉक्टर गर्ग के माध्यम से हम सभी को शुभकामना संदेश दिया। मेट्स परिवार की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए। अंत में सभी के लिए प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, धन्यवाद।